जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तनुष्क अरोरा बायोलॉजी। और अपन लोग नाइन्थ क्लास का बहुत ही अच्छा सा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है मोशन, है ना। फिजिक्स का चैप्टर नंबर ए फर्स्ट है और एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज मोशन। हम लोगों ने मोशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को देख लिया था और बेसिकली मोशन होता क्या ये समझ लिया था, और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात की थी लास्ट क्लास में। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे मोशन में, जो कि है डिस्क्राइबिंग मोशन, कि बेसिकली मोशन हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है हम बता कैसे सकते हैं, ठीक है। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। देखो, अपन लोग जानते हैं कि जो भी लोकेशन होती है किसी ऑब्जेक्ट की, हम उसको कैसे करते हैं स्पेसिफाई, एक रेफरेंस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा चलो एनसीईआरटी का दिया हुआ एग्जाम्पल हम बाद में पढ़ेंगे, एक सेकेंड बाद में, बट मैं तुमको एक एग्जांपल पहले बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक चौराहा है, इसका नाम है रानी ताल, इसका नाम है रानी ताल, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, यहाँ पे बेसिकली चौराहा और यहाँ से ऐसे चार रास्ते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे चार रास्ते, ठीक है। यहाँ से भागती हुई आई बबीता, कौन आई? बबीता, ठीक है, बबीता, और यहाँ पर आके रुक गई, ठीक है। उसने बोला, अरे नैताल चौक के सामने मैं आ गई हूँ, अब रुक जाती हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज उसे कहीं जाना था। तो यहाँ पर आया अपना कौन? पिंटू। कौन खड़ा यहाँ पर ऑलरेडी? पिंटू, ठीक है। तो बबीता ने पिंटू से पूछा कि अच्छा पिंटू, ये बताओ मुझे कि श्यामा दास हॉस्पिटल कहाँ पे है, ठीक है। श्यामा दास हॉस्पिटल कहाँ पे है? आ रही है बात समझ? तो पिंटू ने बोला, अच्छा वो है रानीताल चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर, ठीक है, रानीताल चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पर, और रानीताल चौक से किधर चले आना? अपना लेफ्ट। किधर चले आना? लेफ्ट, है ना। अगर तुम यहां से आ रहे हो, तुम्हारा लेफ्ट है, तुम्हारा राइट है, तो कहाँ चले आना? लेफ्ट। तो यार इस चौराहे से तुम यहाँ पे था मिंटू वाले, ठीक है, उसने कहा कि रानीताल चौराहे जैसे ही पहुंचो वहां से लेफ्ट ले लेना, और कहाँ पहुंच? 2 किलोमीटर दूर क्या मिलेगा तुमको? श्यामा दास हॉस्पिटल। कितने किलोमीटर दूर? 2 किलोमीटर दूर। तो यार बबीता जो है उसको जब एड्रेस बताया पिंटू ने, तब उसे एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ी ना, मतलब उसने कहाँ से बताया वो पॉइंट, कहाँ से, मतलब कहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी? रानीताल चौक से। साथ में उसने डायरेक्शन भी स्पेसिफाई किया कि किस तरफ जाना भैया? लेफ्ट तरफ। आ रही बात समझ, है ना। अपन लोग भी जब किसी को एड्रेस बताते हैं या अपन लोग किसी से एड्रेस पूछते हैं, तो वो भी अपने को एक रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बताता है कि अच्छा यहाँ से सीधे सीधे जाना, एक काली माता का मंदिर आएगा 500 मीटर करीब दूर, आधा किलोमीटर में ना, ठीक है, और वहां से क्या ले लेना? राइट ले लेना, और वहां तुम अपना डेस्टिनेशन पहुंच जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे ही हम बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट की क्या होती है? जरूरत पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बताने के लिए। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना? मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। चलो अब एनसीईआरटी में गिवन एग्जांपल को देखते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी क्या लिखती है आपसे? लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अ रेलवे स्टेशन। बेसिकली एक स्कूल है कहाँ पर? एक गाँव में, वो क्या है? 2 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब यहाँ अगर रेलवे स्टेशन है तो यहाँ से नॉर्थ की तरफ, यानी यहाँ से सीधा सीधा कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर चले जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पर एक स्कूल मिल जाएगा। आ रही है बात समझ, है ना। तो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ हमारा? रेलवे स्टेशन। आ रही है बात समझ? और साथ में अपन ने क्या स्पेसिफाई किया डायरेक्शन की, किधर जाना? नॉर्थ की तरफ। आ रही है बात, मतलब रेलवे स्टेशन से सीधा 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 सीधा। समझ गए बात को? मेरे ख्याल से समझ रहे हो गया। We have specified position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. यहाँ पे railway station क्या बना? Reference point. और जो मैंने example लिया था रानीताल, क्या बना था? Reference point. समझ रहे हो बात को? We could have also chosen another reference point according to our convenience. Basically हम अपने convenience के लिए कि अपनी कन्वीनियंस से, यानी अपनी सुविधा से हम रेफरेंस पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं। वी कुड हैव आल्सो चूजन अदर, ये हो गया। अच्छा, देयरफॉर टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। और ये रेफरेंस पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन, यानी शुरुआत कहाँ से करोगे? मतलब अगर मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर है, पर कहाँ से? मतलब तुम कह रहे हो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ तुम खड़े हो वहां से, या तुम यहाँ बोल रहे हो रानीताल चौक को, समझ रहे हो बात को, या तुम यहाँ बोल रहे हो रेलवे स्टेशन को, तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ओरिजिन क्या लेंगे, मतलब कहाँ से चलना शुरू करेंगे वो रेफरेंस पॉइंट
बताना पड़ेगा, समझ रहे हो? वो ओरिजिन ही क्या है तुम्हारा, रेफरेंस पॉइंट। समझ गए बात को? मेरे ख्याल से समझ गए हो गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अ मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब बाय दिस एन एग्जांपल। बेसिकली एक एग्जांपल से हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को, बेसिकली स्ट्रेट लाइन वाले मोशन को समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। एक ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है, वो किसके मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में, ठीक है। मान लो ये स्ट्रेट रोड है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है। समझ लो ये हमारा बंदा है, ठीक है। अच्छा, मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। देखो ये अपन ने क्या लिया, ये ले लिया एक पॉइंट ओ, ठीक है। क्या ले लिया, ये पॉइंट ओ, और इसको हमने क्या माना, इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। ये हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट, क्या हमारा रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं नीचे। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेट लाइन, ये अपन ने बेसिकली स्ट्रेट पाथ है, इसको अपन ने ओ को क्या मान लिया, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और ये क्या है, ओरिजिन, विच इज ट्रीटेड एज रेफरेंस पॉइंट, मतलब ओरिजिन। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। बेसिकली ए बी और सी से हम डिनोट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशन, अलग अलग टाइम पे, ठीक है। मतलब ए पहले ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंचा, फिर बी वहां से लौट करके आया, फिर सी पर पे, सी पे पहुंचा। समझ गए बात को? ये क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ए बी सी है ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग टाइम पर। अब भैया एक टाइम पे ऑब्जेक्ट तीनों जगह तो हो नहीं सकता, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, आ रही ना बात समझ, ठीक है। अच्छा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, यानी अलग अलग टाइम पर। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेज ए। बेसिकली पहले जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस पॉइंट के क्या पास है, सी पास है, समझ में आ रही ना बात। तो पहले ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, बी पर पहुंचेगा, फिर कहाँ पहुंचेगा, ए पर पहुंचेगा। आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट सी से बी गया, फिर बी से ए गया, फिर वापस आया, ठीक है। पहले वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, यहां तक गया, फिर वापस आया, कहां तक आया, बी से, थ्रू reaches through BC, अरे यार BNG क्या लिखा है, then it moves back along the same path, और इसी path के along वापस आया, और फिर वो B से होता हुआ कहाँ, किसकी तरफ पहुंचा, C तक पहुंचा। समझ रहे हो मेरी बात, पहले यहाँ से तुम यहाँ गए, ठीक है भाई, तुम यहाँ खड़े थे, तुम पहले सी से होते हुए बी से, पहले तुम 25 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर तुमने 35 किया, ठीक है। जब 25 हुआ था तब तुम्हें एक बोर्ड दिखा था, वहां क्या लिखा था, सी, समझ रहे बात को। जब 35 हुआ तब क्या देखा तुम्हें, बी, फिर जब तुम्हारा 60 हो गया तब तुम्हें क्या देखा वहां पर, ए देखा, ठीक है। फिर जब तुम अपना काम खत्म करते वहां से लौटते हुए आए, तब जब तुम इधर चले वापस से 35 पे पहुंचे, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। अब वैसे उल्टा चलोगे ना तो 60 - 35 कितना होगा, होगा 25, ठीक है। तो जब तुम 25 पे पहुंचोगे तब तुमको क्या एहसास होगा कि अब जो मेरा डेस्टिनेशन है वो कितने, मैं अपने ए पॉइंट से कितनी दूर आ चुका हूँ, अब 25 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ, और बी से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, अब 35 किलोमीटर बचा हुआ है, या मैं बोलूं बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, तो 10 किलोमीटर बचा हुआ है। बेसिकली समझ में आ रही है, अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करके देखें इसको, तो मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है। अब बेसिकली इन सब चीजों का मकसद क्या है, अपन ये समझते हैं, ठीक है। अच्छा, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज OA प्लस AC दैट इज 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर। सिंपल सी बात है, अगर ऑब्जेक्ट पहले यहां से लेके यहां तक गया, उसने कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आंसर था 60 किलोमीटर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहां से लेके वापस यहां पर आया, है ना, ए से बी आया, फिर बी से सी तक आया, तो ये कितना हुआ, ये हुआ तुम्हारा 35। क्या हुआ ये तुम्हारा 35, आ रही है बात समझ, मेरे ख्याल से आ रही होगी। अब जिसको नहीं आ रही कि ये कैसे आया 35, तो भाई 60 में से 25 माइनस कर देना तो 35 आएगा ना, मतलब कितना डिस्टेंस बचा है, 25 किलोमीटर बचा है, तो ट्रेवल कितना कर लिया, मतलब 35 कर लिया, समझ गए बात को। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर, आ रही है बात समझ। तो टोटल कितना चला, 95, कितना चला, 95।
ठीक है ना, ये 60 65 95 किलोमीटर, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो बेसिकली टोटल टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस. तो बेसिकली अगर कोई भी आज तुमसे पूछे कि बताओ डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तुम क्या बोलोगे? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आया होगा. ठीक है, टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन. बेसिकली हम लोगों को क्या होता है ना, सिर्फ अगर डायरेक्शन अगर हमें डिस्टेंस बताना है तो हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ती क्या डिफाइन करने की, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती. हम सिर्फ क्या स्पेसिफाई कर देते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या कर देते हैं? स्पेसिफाई कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. देर आर सर्टेन क्वान्टिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज. कुछ ऐसी क्वान्टिटीज होती है जिनको हम बता सकते हैं सिर्फ उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज के द्वारा, हमें वहां पर किस डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. समझ में आ रही है मेरी बात को? है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मैग्नीट्यूड. जैसे देखो फिजिक्स में जो भी हम क्वांटिटीज पढ़ रहे हैं ना, जैसे आप लोगों ने अभी देखा डिस्टेंस क्वांटिटी, आगे देखोगे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स और भी बहुत सारी अलग अलग क्वांटिटीज. फ्रिक्शन आपने पढ़ रखा है, फोर्स आपने पढ़ रखा है 8th क्लास में. ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज जो भी हम फिजिकल फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, ये सारी हैं क्या? ये सारी हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटीज. क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, चलो यार एक मिनट अपन थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और कुछ डिस्कशन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज. ठीक है, अच्छा अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं. जैसे कि टाइम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी. स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी. डिस्टेंस इज अ फिजिकल क्वांटिटी. फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी. एक्सीलरेशन इज अ फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है ना, अभी एक टर्म अपन और पढ़ने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट. इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. ये बात मेरी समझ में आई? ठीक है, ये सारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जिसे तुम मेजर कर सकते हो. लेकिन अब क्या नहीं है फिजिकल क्वांटिटी? तो आंसर है लव. ठीक है, बेसिकली प्यार कितना करते हो किसी से अपन मेजर नहीं कर सकते. तुम्हारी मम्मी कितना प्यार करती है? कितने किलो प्यार करती है? 10 किलो, 5 किलो? कौन ज्यादा प्यार करता है? पापा बोलेंगे नहीं, मैं तो तुम्हें 7.5 किलो प्यार करता हूँ, मम्मी तुम्हें 5 किलो प्यार करती. तो लव तुम मेजर नहीं कर सकते. अगर तुम किसी से गुस्सा हो, ठीक है, एंगर, ठीक है, या कोई तुमसे गुस्सा है, तो कितना गुस्सा है? मान लो टीचर ने तुमको बाहर निकाल दिया क्लास के, तो कितना हो गए? पापा के बोलते 10 लीटर गुस्सा थे मास्टर जी, तुमने मास्टर जी को 10 लीटर गुस्सा कर दिया. कितने बुरे हो तुम, मुझे तो सिर्फ 5 लीटर ही करते हो, है ना. मतलब इतना, इन द सेंस तुम एंगर को मेजर नहीं कर सकते. समझ में आ रही मेरी बात? क्यूरियोसिटी को भी मेजर नहीं कर सकते कि भाई क्यूरियोसिटी कितने किलोग्राम है, कितने ग्राम है, कितने लीटर है. क्यूरियोसिटी मतलब जानने की इच्छा. ये भी क्या एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है. समझ में आ रही मेरी बात? सैडनेस, बेसिकली इमोशंस और जो भी थॉट्स ऐसे होते हैं एडजेक्टिव्स, उन्हें अपन मेजर नहीं कर सकते. सैडनेस भी नहीं मेजर सकते. कितना दुखी हो भाई, कितना दुखी हो, है ऐसा कैसा लग रहा है? मतलब मेजर कैसे करोगे? मतलब इतना दुखी हो कि दुनिया खत्म हो गई है पूरी की पूरी ऐसा लग रहा है, या इतना दुखी हो कि आज खाना नहीं खाओगे? मतलब तो अपन मेजर नहीं कर सकते ना सैडनेस को. समझ रहे हो बात को? तो जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी. ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा ये समझ गए, फिजिकल क्वांटिटी होती है जिन्हें तुम मेजर कर सकते हो, जिन्हें तुम मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती. अच्छा फिजिकल क्वांटिटी की खास बात क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी के साथ होती है एक न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या होती है? एक न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है इसमें हमारा यूनिट. क्या होता है? हमारी यूनिट. ठीक है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट से मिलके क्या बनती है? फिजिकल क्वांटिटी. समझ रहे हो बात को? मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे. ठीक है ना, समझ गए. जैसे अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, जैसे मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर होती है, मीटर होती है. समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी मैंने बोला वन, तो वन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए अपन एक वर्ड और यूज करते हैं जो कि कहलाता है मैग्नीट्यूड. क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड.
तो भाई फिजिकल क्वांटिटी के पास क्या होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, एक यूनिट होती है. तो न्यूमेरिकल जैसे वन, न्यूमेरिकल वैल्यू, साथ में हमको यूनिट भी स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो हमको मालूम चल जाएगा कि अपन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला 1 किलोमीटर, तो पक्का ही हो गया कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं, बेसिकली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं. समझ में आ रही मेरी बात, हाँ या ना? ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, मेरे ख्याल से आ रही होगी. ठीक है, अच्छा अब एक चीज जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, ठीक है, वो दो तरीके की होती हैं. ठीक है, बेसिकली अभी आगे पता चलेगा दो और तरीके की होती है, बट तुम ये समझो पहले दो तरीके की होती है. एक होती है फंडामेंटल, एक होती है फंडामेंटल, ठीक है, एक होती है डिराइव्ड. एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड. समझ रहे हो बात को? एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड. फंडामेंटल होती है मेनली 7 क्वांटिटीज, सिर्फ 7 क्वांटिटीज क्या है, फंडामेंटल है. समझ में आ रही मेरी बात? फंडामेंटली मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है इनकी वैल्यू निकलने के लिए, बेसिकली. समझ में आ रही मेरी बात? और जैसे ही डिराइव्ड है, डिराइव्ड किससे मिलकर बनी होती है, बस इन्हीं 7ों फंडामेंटल से मिलकर कौन सी बनेंगी, डिराइव्ड. ठीक है, जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं लेंथ, तो लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है. लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं स्पीड, तो स्पीड फंडामेंटल नहीं है. उसका रीजन ये है बिकॉज स्पीड किससे मिलकर बनी हुई है. स्पीड का फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और नहीं पढ़ा तो अब समझ लो, ठीक है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डिस्टेंस और टाइम दो ऐसी क्वांटिटीज, डिस्टेंस इज लेंथ मतलब फंडामेंटल में आ गया, और टाइम भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी. तो इससे मिलकर जो बनी है, इट्स अ डिराइव्ड क्वांटिटी, तो ये फंडामेंटल नहीं है. समझ में आ रही है मेरी बात, मेरे ख्याल से आ रही होगी. अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में अपन बात कर लेते हैं. ठीक है, तो यार 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, मैं आपको ये बता देता हूँ पहले. फंडामेंटल क्वांटिटीज, अरे क्लियर ऑल कर सकते थे जब पूरा क्लियर करना है तो. हाँ यार, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी 7 होती हैं, कौन सी 7 होती हैं, उनके बारे में आप अभी जान लीजिए. ठीक है, पहला है, पहला होता है लेंथ. क्या होता है, लेंथ. ठीक है, पहला होती है लेंथ, ठीक है ना, लेंथ. आ रही है बात समझ? और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है. अब तुम बोलोगे सर एसआई यूनिट क्या है, तो अपन अभी देखेंगे एसआई यूनिट क्या है. तो लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर. क्या होती है, मीटर. समझ गए? अच्छा, नंबर टू, पहले मैं तुमको 7ों फंड वो बता दूं, फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी यूनिट बता देता हूँ, फिर मैं तुमको बताता हूँ कि एसआई यूनिट है क्या, बेसिकली ये एसआई यूनिट नाम की बला है क्या. लेंथ समझ गए, लेंथ की क्या होती है एसआई यूनिट, दैट इज मीटर. ठीक है, एसआई का फुल फॉर्म होता है सिस्टम इंटरनेशनल है. ठीक है, बेसिकली इंटरनेशनली यूज होने वाली यूनिट. ठीक है, मतलब तुम मीटर, जो तुम इंडिया का साइंटिस्ट होगा वो भी मीटर बोलेगा, जो फिनलैंड का होगा, पोलैंड का होगा, अमेरिका का होगा और बाहर का होगा, मतलब कहीं पे भी चले जाओ, लेंथ की यूनिट अगर तुम किसी को बोलोगे कि वो लेंथ, अगर तुम किसी को मीटर के साथ कोई न्यूमेरिकल वैल्यू स्पेसिफाई करके बोलोगे, तो वो समझ जाएगा कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, लेंथ के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है. समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, अच्छा, एक होती है लेंथ, एक होता है मास. क्या होता है, मास. मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. क्या होती है, किलोग्राम. आ रही है बात समझ? मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है. ठीक है ना, समझ गए, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम. ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो बस नीचे एक और लिख लेते हैं. ठीक है, देखो लेंथ होता है, मास होता है, टेम्परेचर इज ऑल्सो, सॉरी टाइम ले लेते हैं पहले. टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, हाँ एक सेकेंड, टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, याद रखेंगे. और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड. क्या होती है, सेकेंड. मतलब कुल मिला के अगर तुम 5 kg बोलोगे, तो ये हर एक साइंटिस्ट, हर एक इंसान समझ जाएगा, चाहे वो यहाँ का हो, चाहे बाहर का हो, कहीं का भी हो, दुनिया के किसी कोने का भी हो, अगर तुमसे 5 kg बोलोगे तो वो समझ जाएगा ये किसकी बात कर रहा है, मास की बात कर रहा है. समझ गए बात को, है ना? चलो, तो अब टाइम, तो अगर तुम किसी से बोलोगे टाइम, जो सेकेंड ऐसी यूनिट है जो दुनिया में हर जगह, दुनिया में हर जगह यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल यूनिट. समझ गए बात को? समझ गए? चलो, मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे. तो यार, है ना, आप जैसे बोलते 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, तो बेसिकली किसको डिनोट कर रहे हैं, हम टाइम को. तो ये 3 नोट कर लेना, मेरे ख्याल से कर लिया होगा तुमने अब तक, नहीं गया तो पॉज करके कर लेना. और अब मैं चलता हूँ,
अपनी चौथी, पांचवी और छठवीं यूनिट की, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी की तरफ। ठीक है, तो यार चौथी पांचवी छठवीं और सातवीं बचे हुए हैं, तो अपन ने अब देखते हैं, चौथी ले लेते हैं अपन टेम्परेचर। हाँ ठीक है, कौन सी अपनी टेम्परेचर, टेम्परेचर इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। क्या होती है, केल्विन, समझ रहे हो बात को। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर दी गई है क्या हमारी ये यूनिट, टेम्परेचर। समझ गए बात को। टेम्परेचर बेसिकली क्या होती है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, है ना। मतलब एक कोई भी बॉडी कितनी ज्यादा हॉट है या कितनी ज्यादा कोल्ड है उसके बारे में बताती है। आ रही है ना बात समझ। और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन होती है। तुमने सुना होगा कि सेंटीग्रेड भी एक यूनिट होती है, तो सेंटीग्रेड यूनिट होती है, बट वो ऐसा ही नहीं है। समझ गए बात को, केल्विन ऐसा ही यूनिट है। इसके बाद फिफ्थ पर चलते हैं यार अपन। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज मोल, दैट इज मोल। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली क्या है, मोल। MOL ही नहीं आना था, MOL आना था यहाँ पर बेसिकली। रुको लिखता हूँ, ठीक है, MOL, और ये आना था K। ठीक है, MOL बेसिकली होता मोल है, लेकिन अपन सिंबल की बात करें तो MOL लिखते हैं अपन। ठीक है, समझ गए बात को। जैसे किलोग्राम के लिए KG लिखते हैं ना, वैसे मोल, MOL की जगह क्या लिख देते हैं, मोल लिख देते हैं, MOL। ठीक है, और टेम्परेचर में पूरा का पूरा केल्विन लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं, K लिख देते हैं। मेरे ख्याल से समझ आया होगा। सिक्स्थ नंबर पे है करंट। करंट इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर। ये हमारे साइंटिस्ट साहब थे, एम्पियर नाम था इनका, तो इन्होंने क्या यूनिट दी थी करंट के लिए, एम्पियर, CURRENT। समझ रहे बात को। और सातवीं होती है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। क्या होती है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अच्छा, ल्यूमिनियस मतलब पता है आपको क्या होता है, ल्यूमिनियस का मतलब होता है लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट। क्या होता है, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो जैसे अगर ट्यूबलाइट है वो लाइट एमिट तो करती है भाई, ट्यूबलाइट जलाओ तो लाइट निकलती है ना उसमें से, तो बेसिकली उसकी भी क्या होगी, कुछ ना कुछ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होगी। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किससे नापते हैं, कैंडेला से। ठीक है, कि बेसिकली कितना लाइट एमिट कर देगी, जो बल्ब होता है, जो भी लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट होता है, सबकी कुछ ना कुछ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होती है। और उसको नापते किस में है, कौन सी यूनिट में नापते हैं, कैंडेला में नापते हैं। और कैंडेला के लिए सिंबल क्या होता है, CD। क्या होता है, छोटा ये CD, छोटा डी, छोटा डी। समझ गए बात को, मेरे ख्याल से तुम्हें समझ में आएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी होती सात, कौन कौन सी बताओ, इससे पहले कौन सी लिखी थी मैंने, मास, टाइम, मास लेंथ, टाइम मास, लेंथ टाइम मास, टेम्परेचर करंट, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पे क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। समझ गए बात को, होप तुमको ये सब समझ आया होगा। ठीक है ना, अच्छा तो मैं ऐसा ही सिस्टम के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता दूं। देखो, ऐसा ही सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे तुमने सुना होगा ना, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो देखो, बात ये है कि 1 किलो बोलो या 1000 ग्राम बोलो, बात एक ही है, पर चेंज क्या हो गई, यूनिट। क्या हो गई, चेंज, यूनिट। ठीक है, और यूनिट चेंज होने के कारण न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो गई, चेंज हो गई। देखो, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दिख रही है तुमको, 1000, या न्यूमेरिकल कितनी दिख रही है, 1। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यूनिट के साथ साथ यूनिट बदलती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मेरी बात समझ में आई, मेरे ख्याल से आ रही होगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो यार देखो, अब इसके बाद ये समझ गए ना, तो बेसिकली तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तीन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, थ्री सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, एक होता है MKS, एक होता है FPS, और एक होता है CGS। तो जो हमारा MKS सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको कंसिडर किया गया है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। MKS को हम और क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं। ठीक है, अच्छा
अच्छा एक बात बताऊँ, जरूरत क्यों पड़ी है एमकेएस बनाने की? ठीक है, तो यार देखो ऐसा होता था, पहले के जमाने में हर एक एरिया के लोगों का दूसरे लोगों से कांटेक्ट नहीं होता था। मतलब एक शहर के लोग दूसरे शहर के लोगों को बहुत कम जानते थे या फिर जानते भी नहीं थे। तो सब लोग या और जब लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक दूसरे से कम्युनिकेशन बढ़ा, तो शहरों के शहरों में पहचान हुई, कंट्री कंट्री, तो बेसिकली सारे शहरों की पहचान हो गई एक साथ में। और बहुत सारे शहर मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, कंट्री मिल जाते, कंट्री बन जाता है ना, मतलब बेसिकली, ठीक है ना। स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स मिलते हैं तो क्या बनता है, कंट्री बन जाता है। तो बेसिकली अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की यूनिट्स क्या करते थे, यूज करते थे। समझ में आ रही मेरी बात? अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप की यूनिट क्या करते थे, यूज करते थे। पर समय के साथ साथ जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे लोगों का इधर उधर आना जाना बढ़ा, ठीक है, जैसे जैसे अलग अलग चीजों ने ग्रो करा, तो हुआ ये कि लोगों को एक दूसरे से मिलना पड़ा। अब अलग अलग लोग अलग अलग दूसरे दूसरे देशों के लोगों से मिलते थे, तो जब वो लोग बात भी करते थे, समझ में आ रही मेरी बात, तो उनकी यूनिट्स क्या हो जाती थी, अलग अलग हो जाती थी। मान लो जैसे दुबई है, ठीक है, दुबई बेसिकली अपन अरब कंट्रीज की बात करें, तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जो है वो मेजर किया जाता है गैलन में। किस में मेजर किया जाता है, गैलन में। सुना है आपने पहले कभी ये वर्ड? मेरे ख्याल से सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। तो वो वाटर भी गैलन में नापते हैं, तेल के जो कुएं हैं, ठीक है, उनमें से जो तेल निकलता है टैंक में जब भर देते हैं, तो उसको भी किस में नापते हैं, गैलन में नापते हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो इंडिया वाले हैं वो क्या वर्ड यूज करते हैं, जैसे अपन लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं। आ रही है बात समझ? मेरे ख्याल से आ रही होगी। तो मान लो तुम इंडिया वाले हो और तुम किसी दुबई वाले से बात करो, तुम कहते हो यार मुझे पानी चाहिए 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर की एक बॉटल दे दो। तो उसने बोला कि नहीं सर, हमारे पास 1 लीटर की तो बॉटल नहीं है, लेकिन 1 गैलन की कैन है, ठीक है। सर 1 गैलन 1 लीटर से काफी बड़ा होता है। तुमने तो बोला ठीक है भाई दे दो, तुम्हें लगा होगा यार ठीक है, बेचारा मासूम सा है, गैलन बोल रहा है, मतलब लीटर को हो सकता है गैलन बोलते होंगे। पर तुमने वहां देखा कि जो लीटर है और गैलन है उसमें क्या है, काफी फर्क है। तुम्हें समझ नहीं आया कि गैलन, 1 गैलन में कितना पानी आता होगा। तुमको 1 लीटर के हिसाब से मालूम है कि 1000 ml आता होगा, बट 1 गैलन में 1 लीटर से थोड़ा ज्यादा पानी आता है। समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा और ज्यादा ही आता है। तो बेसिकली तुम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, बेसिकली तुम दोनों एक दूसरे की बात समझ नहीं पाओगे। तो इसीलिए चाहे तुम दुबई से हो, चाहे तुम इंडिया से हो, चाहे तुम कहीं और से हो, तुमको क्या चाहिए, एक ऐसी यूनिट चाहिए जो दुबई वाले को भी पता हो और इंडिया वाले को भी पता हो। समझ रहे हो? तब जाके डेवलप हुआ क्या, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या हुआ, डेवलप हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलो मेरे ख्याल से आ रही होगी, ठीक है ना। चलो अब अपन क्या करते हैं, अपन एक एक करके यहाँ पर MKS, CGS और FPS में इन सब का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले यार MKS सिस्टम को उठाते हैं, ठीक है। तो अब मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूँ, जो पहली वाली यूनिट है वो लेंथ के बारे में बताएगी, दूसरी वाली बताएगी तुम्हें टेम्परेचर के बारे में, और यहाँ पर बेसिकली किसके बारे में बताया जाएगा, टाइम के साथ, टाइम के बारे में बताया जाएगा। अरे नहीं, एक चीज गलत कर दी मैंने, यहाँ टेम्परेचर नहीं, यहाँ बेसिकली आएगा तुम्हारा मास। क्या आएगा? मास, टेम्परेचर, मास, सॉरी लेंथ, मास एंड टाइम। ये यहाँ पे भी FPS में भी पहला किसको दिखाएगा, तुम्हारा लेंथ को, दूसरा दिखाएगा तुम्हारा मास को, और तीसरा दिखाएगा तुम्हारा सेकंड को। तो MKS में अगर हम बात करें, ठीक है, अगर नोट कर लोगे तो काफी अच्छा है ये सब चीजें। सर MKS में अगर बात करें तो M रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, और लेंथ की यूनिट क्या है यहाँ पर, मीटर। MKS सिस्टम में क्या होती है, मीटर। क्या होती है, मीटर। MKS का फुल फॉर्म भी अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। K इज मास बेसिकली, और यहाँ यूनिट क्या है, किलोग्राम। क्या है, किलो ग्राम, ठीक है। और S इज टाइम, एंड दैट इज सेकेंड, दैट इज समझ गए, होप समझ गए होगे। तो बेसिकली मीटर, किलोग्राम, सेकेंड वाला सिस्टम है MKS सिस्टम, ठीक है, नोट कर लो। समझ गए बात को, मेरे ख्याल से समझ गए होगे, ठीक है। दूसरा क्या है, FPS, ठीक है, जो F है वो किसको दिखा रहा है यहाँ पे, लेंथ को, और F बेसिकली K
क्या है यहाँ पर, बेसिकली लेंथ की यूनिट क्या है यहाँ पर, फुट, क्या है फुट, ठीक है। आज भी अपन लोग हाइट बोलते हैं ना, 6 फिट का हट्टा कट्टा नौजवान है, या बोल या कमरे का भी जो फुट में नापते हैं अपन लोग, की 10 बाय 10 का कमरा है, 5 बाय 5 का कमरा है, समझ में आ रही ना मेरी बात, हाँ या ना। तो नॉर्मली अपन आज भी यूज करते हैं इसको, लेकिन फुट ऐसा यूनिट नहीं है, मीटर ऐसा यूनिट है, समझ रहे हो बात को। पी बेसिकली मास की यूनिट है, और वो है क्या यहाँ पर, पाउंड, क्या है यहाँ पर, पाउंड, ठीक है। आप जब भी केक वगैरह खरीदने जाते हो, तब आपको जो केक है वो किस हिसाब से मिलता है, पाउंड के हिसाब से, है ना, कि ये इतने पाउंड, 2 पाउंड का केक है, ये 5 पाउंड का केक है, 5 पाउंड का तो काफी बड़ा हो जाएगा, ये 1 पाउंड का केक है, 2 पाउंड का केक है ना, आ रही है बात समझ। और एस क्या है यहाँ पर, टाइम, दैट इज सेकेंड, एस इज ऑल्सो सेकेंड, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ आ रहा होगा। अब यार चलते हैं FPS, समझ गए FPS, समझ गए, अब CGS समझ लो। तो बोलो मेरे साथ तीनों सिस्टम एक बार, MKS, FPS और CGS। MKS में, MKS का रिप्रेजेंट करता है मास किलोग्राम और सेकंड को, बेसिकली मीटर किलोग्राम और सेकंड को। FPS को रिप्रेजेंट करता है फुट पाउंड और सेकंड को। और CGS की बात करें तो CGS इज यूनिट ऑफ लेंथ, सी इज यूनिट ऑफ लेंथ, इन विच सी, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटीमीटर को, समझ गए मेरी बात को। जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम, ठीक है, दैट इज मास, मास इसमें कहा, किसमें नापें, किलोग्राम में नहीं, सिर्फ ग्राम्स में, समझ गए बात को। और एस बेसिकली सेकेंड, तो बेसिकली टाइम, और इसकी यूनिट क्या है, समझ गए मेरे ख्याल से, समझ गए होगे, ठीक है ना। तो ये सारी कहानी थी। अच्छा अब दूसरी चीज, एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है, लास्ट चीज समझ लेते हैं यार आज की क्लास की। तो यार लास्ट चीज मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, ठीक है, मेनली फिजिकल क्वांटिटीज दो तरीके की होती हैं, ठीक है ना, दो तरीके की, एक होती है स्केलर्स, एक होती है स्केलर्स, और एक होती है वेक्टर्स। क्या होती है, एक होती है स्केलर्स, एक होती है वेक्टर्स, ठीक है। यार देखो स्केलर, एक सेकेंड मैं इसको मिटा दूं, इरेजर, हाँ एक सेकेंड। तो यार स्केलर और वेक्टर में, ठीक है, एक एक करके सारे पॉइंट बताता हूँ। तो स्केलर यार, स्केलर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होता, मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी, बट तुम्हें स्केलर क्वांटिटी के बारे में बताने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ने वाली, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, ठीक है। अच्छा अब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर के पास दोनों होते हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, समझ गए। अब ये कैसे, इनको एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है आपका डिस्टेंस, एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, हमारा जो वो है क्या है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमारी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमारा जो हमारी क्या होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, और भी कई सारी होती है, बट अभी ये इनके एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम उठाते हैं पहले स्पीड का एग्जांपल, तो अगर मैं बोलूँ ना स्पीड, स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकंड, क्या है, 5 किलोमीटर पर सेकंड, अगर आपको नहीं पता तो स्पीड की यूनिट होती है किलोमीटर पर सेकंड, समझ में आ रही है मेरी बात। तो अगर मैं बोलूँ स्पीड है 5 किलोमीटर पर सेकंड, अगर मैं 5 किलोमीटर पर सेकंड बोलूँ ना तो आप समझ जाना स्पीड है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्शन का नाम नहीं लिया, लेकिन मैं वही बोल दूं कि 5 किलोमीटर पर सेकंड ईस्ट, इसका मतलब मैंने यहाँ पर डायरेक्शन क्या कर दिया, स्पेसिफाई, यानी अब मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, आई एम नॉट
नो मोर, आई एम नो मोर टॉकिंग अबाउट स्पीड, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, बिकॉज हेयर डायरेक्शन कम्स इन टू द पिक्चर. डायरेक्शन अब यहाँ पर पिक्चर में आ चुका है, इसीलिए. तो समझ गए मेरी बात को, मेरे ख्याल से समझ गए होगे. तो वेलोसिटी ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बेसिकली ये वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज वैक्टर क्वांटिटी. क्या है ये? वैक्टर क्वांटिटी. और स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है. दैट्स वाई इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब जैसे यहाँ पे हम फोर्स की बात करते हैं ना, फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझना कि अब फोर्स को बताने के लिए डायरेक्शन का बताना कितना जरूरी है. समझ गए बात को? अच्छा चलो यार, तो अपन एक कहानी से शुरुआत करते हैं थोड़ी सी. वो कहानी ये है कि आप और आपके मम्मी पापा और आपका एक दोस्त जिसका नाम है राहुल, ठीक है, वो चारों लोग कहाँ जा रहे हो? आप चारों लोग कहाँ जा रहे हो? पिकनिक पे. कहाँ जा रहे हो? पिकनिक पे. ठीक है, पिकनिक पे जाते हुए आपकी कार क्या हो गई? खराब हो गई. कार क्या हो गई? खराब हो गई. ठीक है, अब कार चल नहीं रही, तो अब कार को क्या लगाना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा. ठीक है, मान लेते हैं आपकी मस्त प्यारी सी बग्गी है. बग्गी तो नहीं, खैर है ना, छोटी सी छुटकी सी कार है. ठीक है, अरे इमेजिन कर लो कार है. ठीक है ना, समझ गए मेरी बात को? अच्छा, अब आपके पापा, अब धक्का लगाना पड़ेगा. अब पापा मम्मी से धक्का लगवाओगे नहीं, दोनों दोनों मिलके इतनी ताकत जुटा ले हुए कि क्या कर सको, ढकेल सको कार को और मैकेनिक की दुकान तक थोड़ा सा ले जा सको. ठीक है ना, और रास्ते में आपको कुछ और भी लोग मिल जाएंगे, मिल गए जो कि, ठीक है ना, दो लोग और मिल गए, रामू श्यामू. ठीक है, तो अब आप, आपका दोस्त राहुल, रामू श्यामू, तीनों मिलके क्या कर, चारों मिलके क्या करने वाले? कार को धक्का लगाने वाले. समझ रहे हो मेरी बात? अच्छा, अब कार को अगर इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो धक्का किधर से लगाना पड़ेगा? इधर से, है ना. मैंने बोला, ऐसा बोला मैंने कि आप बताओ लगाना पड़ेगा नहीं, तो आपने बोला हाँ सर बिल्कुल सही बात है. अच्छा, तो यार अब आप लोग जो हो, आप और राहुल आपका दोस्त, वो दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ पे खड़े हो गए. ठीक है, और वो रामू श्यामू ज्यादा बड़े नहीं है, आपकी उम्र के ही हैं, है ना, आपसे एक आध साल 6 महीने ज्यादा बड़े होंगे, बाकी वो आपकी उम्र के, या आपका दोस्त या आप हो. ठीक है, दिस इज आप एंड ये आपका दोस्त कौन है? राहुल. कौन है? राहुल आर. तो यार दोनों यहाँ से धक्का लगा रहे, जो लोग मिले थे आपको, आपने आजू बाजू देखा, वो आपके सामने नहीं है, पर आपको लगा चले गए, तो आपने क्या करा? यहाँ से धक्का लगाया. ठीक है, यहाँ आप धक्का लगा रहे हो, गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही. तो आप सोचोगे यार गाड़ी क्यों नहीं आगे बढ़ रही, क्या किसी ने टायर के आगे जाके पत्थर वत्थर रख दिया क्या? ठीक है, तो फिर आपने ऐसा सोचा, फिर जैसे ही आपने झुक के लगाओगे धक्का, ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा आगे जाकर वहां से हटे, थोड़ा सा खड़े हुए, झुक के स्ट्रेट हुए, और आगे जाके आपने देखा कि यार कार की यहाँ पर कुछ रखा तो नहीं, पत्थर वत्थर तो आपको देखा कुछ नहीं रखा, लेकिन जो रामू श्यामू दो बहुत प्यारे से बच्चे आपको मिले थे मदद करने के लिए, दिस इज रामू एंड दिस इज श्यामू. ठीक है, दिस इज श्यामू, ये दोनों यहां से धक्का लगा रहे हैं, इसीलिए कार क्या हो रही थी? आगे नहीं बढ़ रही थी. रीजन समझे? ठीक है, अपन किसी ऑब्जेक्ट, फोर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स, है ना. किसी ऑब्जेक्ट को आप धक्का दोगे या उसको खींचोगे, इट इज कॉल्ड एज फोर्स. आपने क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब समझ लो. ठीक है, पढ़ा होगा याद नहीं तो अब समझ लो. समझ लो मेरी बात को? तो दो लोग उतना ही पुश इधर की तरफ कर रहे हैं और ये दो लोग उतना ही पुश इस तरफ कर रहे हैं, तो गाड़ी क्या हुआ? मूव नहीं करेगी. करेगी क्या? खुद सोचो. तो आंसर है नहीं करेगी. समझ रहे हो? तो जब तुमने इनको बोला कि भैया फोर्स लगाना है, तो इनको बताना पड़ेगा ना किस डायरेक्शन में लगाना है. अगर सब मिलके कार को इस डायरेक्शन में धक्का देंगे, तभी कार जो है वो मूव करेगी इधर. अगर दो लोग इधर लग जाएंगे, एक दो लोग इधर लग जाएंगे, तो कार मूव नहीं करने वाली. जस्ट बिकॉज, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, फोर्स के साथ स्पेसिफाई करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी. बिकॉज फोर्स किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. तो इसका मतलब फोर्स के साथ हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ता है? डायरेक्शन. तो फोर्स क्या हो गया? एक फोर्स क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी. क्या हो गया? एक वेक्टर क्वांटिटी. समझ गए मेरी बात को? अब बोलोगे सर टाइम एक वेक्टर क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है? तो यार तुम अपनी घड़ी को लेके मान लो चौराहा है, ठीक है, ये इसके चार रास्ते हैं, ठीक है ना.
तुम अपनी घड़ी को लेके चाहे इस डायरेक्शन में चलो तो भी टाइम सेम रहेगा, चाहे इस डायरेक्शन में चलो तो भी टाइम सेम रहेगा, चाहे इस डायरेक्शन में चलो तो भी सेम, इस डायरेक्शन में चलो तो भी सेम। टाइम डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम डायरेक्शन के साथ बदलता नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? टाइम में तुमको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करना पड़ता कि ईस्ट में अभी 4 बजे होंगे, नैनीताल से 2 किलोमीटर ईस्ट में अभी 4 बजे होंगे, नॉर्थ में अभी 3 बजे होंगे, वेस्ट में अभी 2 बज रहे होंगे और ईस्ट में अभी 5 बज रहे होंगे। तो ऐसा मतलब हमारे साउथ में भी 5 बज रहे होंगे, तो ऐसा होता है क्या? तो आंसर है नहीं होता, जस्ट बिकॉज टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, बट फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन, वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन डायरेक्शन। तभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बेसिकली इनके साथ डायरेक्शन स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और अब अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यार पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपने मम्मी पापा से प्यार करो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप लोगों तक, बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं, लेक्चर अपलोड करूं, तो आप तक वो पहुंच जाए। और अगर आपको ये सब कुछ समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है? तो बाय बाय, टेक केयर।